तो प्यारे दोस्तों कैसे हाल चाल हैं आपकी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे अगर अच्छे नहीं हैं तो आज वो दोस्त जरूर से अच्छे हो जाएंगे जो कि हमेशा हंट में रहते हैं अच्छे फुल कवरेज फाउंडेशन की एंड ड्रग स्टोर सो so यस yes, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ये बहुत ही प्यारा फाउंडेशन जो कि है मेबलिन का थर्टी आर फाउंडेशन मैं जो शेड यूज़ कर रही हूँ उसका नाम है थ्री ट्वेल्व गोल्डन डोर सो मेबलिन का लास्ट uh, टाइम मैंने एक फाउंडेशन रिव्यू की एक्चुअली कंपेरिजन वीडियो बनाई थी मेबलिन के फिटमी की और मेबलिन के सुपर स्टे की एंड एक्चुअली ये उसी का सुधरा हुआ वर्जन है या फिर उसका अपडेट है uh, इसका नाम भी मेबलिन सुपर स्टे है पर यह एक्टिव वेयर है इसका मानना है कि ये तीस घंटे तक आपके चेहरे पर रह सकता है और एक्चुअली मैं आपको सारे पॉइंट्स बताने वाली हूँ कुछ लिख लिया है मैंने सो so, इस फाउंडेशन का क्लेम है कि ये 34 फोर आवर्स आपके चेहरे पे रहेगा इसमें 21 वन शेड्स आपको मिल जाएंगे कि पैकेजिंग कुछ इस तरह की है बिल्कुल उसी के जैसे से मिल है पर इसमें पंप है येस yes, पंप बहुत ज़्यादा हाइजीनिक एंड क्लीन होता है और आप प्रोडक्ट वेस्ट नहीं करते सो यस दैट्स अ गुड पॉइंट और अगली चीज़ है कि ये ट्रांसफर रेजिस्टेंट है और uh, ट्रांसफ़र नहीं होगा जैसे हम कपड़े पहनते हैं या कुछ भी फ़ोन पे हर जगह ये हमारा मेकअप ट्रांसफ़र हो जाता है तो इसका मानना है कि ये ट्रांसफ़र नहीं होगा एंड वाटर रेजिस्टेंट है एंड स्वेट रेजिस्टेंट है सो so, इसका मतलब है कि जब आप गर्मियों में पहनेंगे तो पसीने से भी ये ख़राब नहीं होगा अगला है कि ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा एंड ये बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है क्योंकि इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा है फिर भी ये आपके चेहरे पर कम्फर्टेबल ही रहेगा एंड ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल फाउंडेशन है मैंने मेरा फाउंडेशन सुपर स्टोर से लिया है आप वॉलमार्ट से ले सकते हैं किसी भी ड्रिक से ले सकते हैं अराउंड ट्वेल्व डॉलर का मिलेगा आपको आई थिंक वॉलमार्ट में थोड़ा और भी चीप मिल सकता है सो so, हम लेंगे पंप हमारे हैंड पे इसका जो फॉर्मूला है काफी ज्यादा थिक फील होता है मुझे जो थिक फाउंडेशन है मेरे चेहरे पे ऐसे परत के जैसे लग जाते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं सो so, जल्दी से देख के आएँ कि ये फाउंडेशन का एप्लीकेशन कैसे है और क्या मैं खुश हूँ और उसके बाद हम इस पर और थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं ओके okay, सो so, मैं सोच रही हूँ कि आज हम कोई प्राइमर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अगर प्राइमर यूज़ नहीं करेंगे तो हमें फ़ाउंडेशन की सच्चाई का पता चलेगा कि वो कैसी फिनिश देता है नेचुरल स्किन पे पर मैं सनस्क्रीन जरूर से लगाऊंगी सनस्क्रीन लगा रही हूँ मैं सुपर गुप अनसीन सनस्क्रीन जहाँ पे अनसिन लिखा है वो मिट चुका है फॉर सम रीजन आई डॉट नो वाई मे बी मैंने इसको बहुत ज़्यादा पकड़ा है एंड एस पी एफ है फोर्टी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है ये इसकी चाद ले ली है मैंने एक्चुअली मुझे और सनस्क्रीन खरीदनी पड़ेगी सो so, फाउंडेशन को यूज करने से पहले हम शेक कर लेंगे एंड सो अराउंड एक पंप लेंगे बैक हैंड पे एक और ले लेते हैं दो पंप्स मुझे फाउंडेशन ब्रश के साथ लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि फिनिश ज़्यादा अच्छी आती है एंड प्रोडक्ट कम यूज़ होता है ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अपने अंदर सोक इन कर लेता है जिससे प्रोडक्ट ज़्यादा वेस्ट होता है और कवरेज नेचुरल किस्म की आती है अगर आपकी स्किन ऑलमोस्ट परफेक्ट है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें पर अगर आपको ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत है तो ब्रश ट्राई करके देखें आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा सो so, ब्रश पे मैं लेने वाली हूँ बहुत लाइटली एंड हम सारी तरफ डार्ट्स में स्प्रेड कर लेते हैं फाउंडेशन को जैसे मैं हर कोई रेगुलर फाउंडेशन लगाती हूँ ओके कलर मैच आई डोंट नो कैसा है या नहीं क्योंकि मेरी स्किन से मिलता जुलता मुझे यही शेड मिला क्योंकि वहाँ पे सारे शेड्स सोल्ड आउट थे सो so, अब हम डेबिंग मोशन में ब्लेंड करना शुरू करेंगे चिक एरिया से मैं पहले करूंगी क्योंकि मेरे चिक्स पे काफी ज्यादा स्कार्स हैं और उससे ही पता चल जाता है कि इसकी कवरेज कैसी है ये कवरेज का परफेक्ट टेस्ट हो जाएगा कि मेरे चिक्स के स्कार्स कवर होते हैं या नहीं वैसे कलर मैच बुरा नहीं है थोड़ा येलो अंडरटोन है पर हम इससे वर्क कर सकते हैं और आप कवरेज देख ही लें कि कितनी ज़्यादा अच्छी कवरेज है लाइक वेरी वेरी फुल कवरेज फाउंडेशन मेरे स्कार्स ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं और ये बहुत ही बुरे किस्म के काले स्कार्स हैं कोई रेगुलर रैंडम बहुत कम वाले स्कार्स नहीं है ये हाइपर पिगमेंटेशन है मलाजमा जैसे जो कि किसी भी चीज़ से पिक करते रहते हैं पर इससे कितनी अच्छी तरह कवर हो गया है और फाउंडेशन की फिनिश मेरे चेहरे पे काफी ज़्यादा है क्योंकि जब भी मैं कवरेज फाउंडेशन करती हूँ तो सबसे ज्यादा है कि वो चेहरे बहुत ऐसा लगता है कि आपने कोई मास्क लगा लिया है oh my God. Dark circles भी सारे कवर हो गए लग रहा मेरी आँख मेटी गई सो so, इसी तरह हम डेबिंग मोशन में हर तरफ़ ब्लेंड कर लेते हैं सो so, ये है वन एप्लीकेशन uh, अभी प्रोडक्ट मेरे हैंड पे बाकी है सिर्फ एक ही बार की एप्लीकेशन में इतनी ज़्यादा कवरेज मुझे मिल चुकी है और फाउंडेशन uh, की फिनिश काइंड ऑफ साटन वेलवेटी है बहुत ज़्यादा मैट नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैट मुझे अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि उससे स्किन ना ड्राई एंड अनकम्फर्टेबल फील हो जाती है जो बहुत ज़्यादा मैटिफाइंग होते हैं मेरी स्किन ऑयली है फाउंडेशंस so, uh, मुझे अच्छे तो लगते हैं पर जब बहुत ज्यादा मैट हो जाएगा फिर मजा नहीं आएगा सो so, इसकी फिनिश एंड वेलवेटीबल है एंड सो फार ऐसा लग रहा है सो so, इस तरफ को भी ब्लेंड कर लेते हैं बहुत मजेदार ब्लेंड हो रहा है क्योंकि बहुत सारे फाउंडेशन मैंने जो ट्राई किए हैं वो क्या करते हैं कि पैची पैची ब्लेंड होते हैं पर ये बहुत अच्छी कवरेज देते हुए बहुत ही थिन हल्का फील हो रहा है स्किन पे एंड ब्लेंडिंग लाइक अ ड्रीम एक्चुअली जो इनका सुपर स्टे क्लासिक वाला फाउंडेशन है वो भी ऐसी ही फिनिश देता है पर तो मुझे ये उससे भी थोड़ा ज़्यादा मज़ेदार दिख रहा है सो so, हैंड पे जो बचा हुआ फाउंडेशन है उससे भी हम यूज़ कर लेते हैं सो दो पम्प्स के साथ हमें इतनी ज़्यादा अच्छी कवरेज मिल गई आप जानते हैं कि मेरे चेहरे पे कितने स्कार्स हैं अगर दो पम्प्स मेरे इतने ज़्यादा स्कार्स को कवर कर सकते हैं तो आप इमेजिन करिए कि कितनी अच्छी कवरेज है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे सेपरेटली कोई कंसीलर लगाने की ज़रूरत है क्योंकि ऑलरेडी मेरे स्कार्स गुम चुके हैं सो so, मैं थोड़ा सा कंसीलर लगाऊंगी मेरे चेहरे को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए और थोड़ा काउंट कर लेते हैं वो हम जल्दी से करके वापस आते हैं मे का ही मैं फिट फिटमी कंसीलर यूज़ कर लेती हूँ शेड का नाम है लाइट सो कंसीलर एंड ये फाउंडेशन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे ब्लेंड हो रहे हैं क्योंकि एक दूसरे के साथ ब्लेंड होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कई प्रोडक्ट्स हैं एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं जाते हैं कई फाउंडेशन ऐसे हैं कि वो इतनी जल्दी ड्राई हो जाते हैं कि आप कोई और प्रोडक्ट उसमें मर्ज ही नहीं कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो रहा है मेरे ये फिटमी कंसीलर के साथ भी सो so मेरे फेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी लॉरियल का इनफेलेबल फेलेबल आवर फ्रेश वेयर वो इसलिए एक्चुअली ये भी फाउंडेशन ही मैं इसलिए यूज़ करती हूँ ताकि मेरे जो अस्कार की कवरेज है थोड़ी और बढ़ जाए कोई बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं यूज़ करेंगे सिर्फ इसी एरिया में थोड़ा सा आईब्रोज को ब्रश कर लो कितना अजीब लग रहा है सो फेस बहुत ही ज़्यादा ब्लैंड सा लग रहा है चिट्टा हो गया है उसके लिए हम यूज़ करेंगे मेबलिन का फिटमिक पाउडर जो कि फ़ेस पाउडर है पर मैं इससे मेरे फेस को कॉन्ट्रोल कर लूँगी क्योंकि जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो है कोकोनट सो so, ऐसे कुछ ब्रश पे लेके हम हमारे फेस को थोड़ी सी शेप दे देते हैं वनस ये स्टेप हो चुका है जिस ब्रश से हमने फाउंडेशन लगाया था उसी से इसको थोड़ा मर्च कर देते हैं कि बहुत ही ओवर द टॉप नहीं दिखे वैसे ये फेस मेकअप की वीडियो नहीं है ये सिर्फ फाउंडेशन की है पर अलतू फालतू टिप्स देना मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भी मैं यूज़ करती हूँ यार सो so, यस yes. सो so, हमारा फाउंडेशन एप्लीकेशन हो चुका है कम्प्लीट पर मैं थोड़ा सा ब्लश लगा लेती हूँ ये मारफी की ब्लश रियो है मेरे पास और इसका नाम है पॉप ऑफ पॉपी इसमें ये तीन कलर्स हैं इन दोनों को मिक्स करके लगा लेती हूँ बहुत ही प्यारा ब्लश बन जाता है सो so, इस तरह से हमारा फाउंडेशन एप्लीकेशन हो चुका है कंप्लीट मैं जल्दी से आई मेकअप करने के बाद वापस आती हूँ क्योंकि बिना आई मेकअप के अजीब लगता है सो so, फाउंडेशन को लगाए ऑलरेडी दो घंटे हो चुके हैं और मेरी चेहरे की फिनिश कुछ इस तरह की है काफ़ी ज़्यादा वैसे ही है जैसे मैंने अर्ली लगाया था थर्टी घंटे रहेगा आई डोंट नो कौन है जो तीस घंटे तक फाउंडेशन को अपने चेहरे पर रखता है सो so, मैं आपको मिलूंगी अगले अपडेट के साथ अराउंड चार पाँच घंटे के बाद तब हम फाइनल कंक्लूजन ढूंढेंगे सो हम लोग ट्रांसफ़र टेस्ट कर लेते हैं ये है नैपकिन मैं मेरे चेहरे पर लगाती हूँ देखते हैं कि यह ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता भी एक्चुअली नहीं होया दैट्स अमेजिंग सो so, हाँ नो आप देख पा रहे हो क्योंकि बिल्कुल सफ़ेद ही ये है एक्चुअली कुछ तो ट्रांसफर होना चाहिए था क्योंकि मैंने सेटिंग पाउडर भी लगाया है मैंने ब्लश भी लगाया है कुछ भी नहीं होया दैट्स गुड दैट्स अ गुड पॉइंट सो मुझे इस मेकअप को पहने अराउंड सेवन टू एट आवर्स हो चुके हैं उस उसके बीच में मैं बाज़ार में गई हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग करने गई थी और मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी वो एक्चुअली मुझे बहुत बहुत बुरी एलर्जीज़ हो रही हैं जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना था एंड एलर्जीज़ हो रही थी नोज़ काफ़ी ज़्यादा मेरा रन था आज फिर भी ये फाउंडेशन की कंडीशन उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है लिपस्टिक बुरी तरह उतर चुकी है मैंने मास्क भी पहन के रखा था मैंने ऑल द टाइम सो so, मास्क का निशान भी नहीं क्योंकि ज़्यादा जब मैं फाउंडेशन के ऊपर मास्क पहनती हूँ तो वो ऐसे निशान बन जाता है सो so, काफ़ी ज़्यादा हूँ मैं क्योंकि एक्चुअली मैं डिनर करके आई हूँ सो so, काफ़ी ज़्यादा हूँ मैं इससे क्योंकि रनिंग uh, नोस होने के बावजूद मास्क पहनने के बावजूद मेरा मेकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे एटलीस्ट वो भी सेवन एट आवर्स के बाद सो आई थिंक इट्स अ बिग ये ये सो so, अपडेट देने के लिए आई हूँ मेरा फाउंडेशन कुछ इस तरह का लग रहा है जिस जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है एंड अब मुझे फ़ाउंडेशन को लगाए तकरीबन तकरीबन 11-12 घंटे हो चुके हैं मैंने सोचा था कि मैं और चेक इन नहीं करूँगी पर फिर मेरे लगा कि यार इन्ना मज़ेदार लग रहा है मुझे दिखा देना चाहिए सो so, इस तरह का लग रहा है ये मैं अपने ब्लॉगिंग कैमरे पर बना रही हूँ वीडियो पर यार मज़ेदार है आई एम वेरी वेरी हैप्पी ये फाउंडेशन ऑलमोस्ट अस से मस्त नहीं हुआ यार सो so कंक्लूजन हम अभी कर लेते हैं क्योंकि ये जो फ़ाउंडेशन है मैंने पहली बार नहीं लगाया है मैंने पहले भी ऑलरेडी यूज़ करके देख लिया है सो so ये फ़ाउंडेशन की फिनिश मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी सो so जब भी आपको किसी खास इवेंट पे जाना है पार्टी में जाना है शादी में जाना है तो आप इसको पहन सकते हैं क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत अच्छी कवरेज देता है अगर आपकी स्किन परफेक्ट है तो आपको इस फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है आप कुछ भी यूज़ करें आपकी स्किन तो परफेक्ट है पर जैसे अगर आप मेरी तरह हैं जिसके चेहरे पे स्कार्स हैं डार्क सर्कल्स हैं आपने देखा कि जब मैंने ये फाउंडेशन को लगाया था तो मेरे स्कार्स तो कवर हुए ही मेरे डार्क सर्कल्स भी कवर हो गए सारा कुछ हो गया सो so, फाउंडेशन ने ही कंसीलर का भी काम कर दिया सारे काम कर दिए मुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी सो so, मुझे एंड ऑफ द डे ये फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मैं ये रोज़ यूज़ करने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैं रोज़ फुल कवरेज फाउंडेशन ही यूज़ करती हूँ वैसे मैं मेकअप ही बहुत सम सम डेज करती हूँ जब मुझे शूट करना हो या कहीं जाना हो घर में मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ सो so, मैं इसको स्पेशल ओकेजन के लिए रखने वाली हूँ क्योंकि इसकी फिनिश बिल्कुल हाई एंड की जैसी है और जैसे आप लगाएंगे शाम को जब रिमूव करेंगे तब भी वैसा ही लगेगा बहुत ही वेलवर्ड सी फिनिश है आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपने अपने चेहरे पर लगाया हुआ है क्योंकि जब आप यू नो होडा का फॉक्स फिल्टर या जो भी हाई कवरेज हाई एंड हाई कवरेज फाउंडेशन है वो ऐसा लगता है कि आपने एक बहुत ही मोटी सी लेयर लगा ली अपने चेहरे पर जो आपको मन करता है कि जल्दी से रिमूव कर दें इससे वैसा फील नहीं होता है क्योंकि एक क्योंकि एक ही एप्लीकेशन में इतनी ज़्यादा कवरेज देगा आपको बिल्डअप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एंड बहुत मज़ेदार मुझे लगी इसकी फिनिश एंड मेरे चेहरे पे टेक्सचर भी है पोर्स भी हैं इसने वो भी कवर कर दिए स्कार्स भी कवर कर दिए एंड ऑयल भी दिख नहीं रहा है मेरे चेहरे पे, सो so, जो भी मेरे कंसर्नस है ये सारे कंसर्नस को कवर करता है अफोर्डेबल है कलर की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड आराम से आपको अपना पसंदीदा रंग आपके स्किन के साथ मैच करता रंग मिल जाएगा सो so, हर पक्ष में ये फाउंडेशन अच्छा ही है सो so, ये बहुत ही नेचुरल फिनिश वाली लुक है मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ इस फाउंडेशन के साथ सो so, मेरी तरफ से बिग ये ये है इस फाउंडेशन को अगर आप नया फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं और आपके चेहरे पे स्कार्स हैं और आप चाहते हैं कि फुल कवरेज आपको मिले सो मे बीन के फाउंडेशन तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं सो so, अब आपके पास ये भी ऑप्शन आ गया आप ज़रूर से ट्राई करके देखें एंड ये uh, yes, मुझे ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा लगा और मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ इस फाउंडेशन को उसकी वीडियो के लिए बस इतना ही उम्मीद करती आप आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और चीज का रिव्यू करूँ तो प्लीज कमेंट बार में छोड़ सकते हैं एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं सब्सक्राइब जरूर से करना दोस्तों क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं या नहीं मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है तो प्लीज दिल खोल के सपोर्ट करें मैं मिलूंगी नई वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत दोस्तों यू यू द वे आर स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग डू एनी कुछ दिन पहले ही मैंने मेरे बालों को ना कटिंग की है और बालों का समझ नहीं आ रहा मैं स्टाइल कैसे करूँ एंड आज जो तो बाल वैसे भी थोड़ा ऑयल छोड़ रहे हैं तो चंगा नहीं हो रहा कुछ भी